स्टूडेंट आप जानते हो दहनशील पदार्थ क्या होता है। तो दहनशील पदार्थ वो होता है जो जलकर उष्मा और प्रकाश देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ। अब जैसे देखिए ये कागज, ठीक है, और ये यहाँ पर माचिस, तो माचिस में भी ये जो लकड़ी है इसमें फास्फोरस है लगा हुआ, तो ये भी क्या है, एक दहनशील पदार्थ है। अब इसको जलाते हैं, देखिए क्या दे रहा है, उष्मा और प्रकाश दे रहा है, तो ये माचिस की तिल्ली भी क्या है, दहनशील पदार्थ है। अभी ये कागज है इसको जलाते हैं, ये भी क्या है, दहनशील पदार्थ है। क्यों, देखिए ये जल कर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, उष्मा दे रहा है, ठीक है, और क्या दे रहा है, प्रकाश। तो जो जल कर क्या देता है, उष्मा और प्रकाश देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। बच्चे ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जल कर क्या दे रहा है, उष्मा और प्रकाश, तो उसको क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। लेकिन अब क्या है, अब ये देखिए ये कांच है, तो क्या ये दहनशील पदार्थ है, क्या इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या उष्मा और प्रकाश मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको जलाएंगे तो उष्मा प्रकाश नहीं मिलेगा। ये लोहे की, ठीक है, ये लोहे की काटी है, तो क्या इसको जलाएंगे तो उष्मा प्रकाश मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी दहनशील पदार्थ नहीं है। तो देखिए दहनशील पदार्थ वो हो गया तो जलकर उष्मा और प्रकाश देता है, जैसे कि कागज हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है। लेकिन ये कांच, लोहा, पत्थर, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब दहनशील पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसके, क्योंकि ये जलता नहीं है और न जलेगा नहीं, तो फिर उष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलेगा, तो ये सभी क्या है, अदहनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ जो जल सकते हैं, उष्मा प्रकाश देते हैं, ठीक है, जैसे मोम, कागज, है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अदहनशील पदार्थ जो जलते नहीं है, और जलेंगे नहीं तो उष्मा प्रकाश भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, यानी वो जलकर उष्मा प्रकाश नहीं देते हैं क्योंकि वो जलते ही नहीं है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, दहनशील पदार्थ क्या है, अदहनशील पदार्थ क्या है, और उसके उदाहरण के बारे में हमने जाना।